ओके हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कुछ बात करनी थी आपसे। वैसे जिन सबको पता चल चुका है उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं, और जिन्हें पता ना हो उन्हें मैं बता देता हूँ। एक गलती हो गई यार, और वो गलती हुई थी आज से लगभग 15 या 20 दिनों पहले। हुआ यूँ था कि मैं रहता हूँ मंदसौर में। यहाँ पर एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है भगवान श्री पशुपतिनाथ की, तो मैंने वहाँ जाकर वीडियो बना लिया डांस का। अब मंदिर में है ना, वीडियो वगैरह अलाउड नहीं होगा, या फिर मुझे वहाँ पर किसी ने मना नहीं किया, तो मैंने बना लिया वीडियो। और उस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव या फिर उद्देश्य कहते हैं जिसे, सिर्फ यह था कि भगवान की कृपा से जो मुझे थोड़े बहुत फॉलोवर्स मिले हैं, जो मुझे अदर कंट्री से फॉलो करते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडोनेशिया, और भी जो भी जितनी भी कंट्री से लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, इंडिया के कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से मुझे लोग देखते हैं। मेरा उद्देश्य बस यह था कि इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री पशुपतिनाथ को भी वो देख सके, मंदसौर में इतनी विशाल मूर्ति है उसे देख सके। हालांकि मेरा कोई इतना बड़ा मैं क्रिएटर नहीं हूँ, इतने ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स नहीं है कि मैं उन्हें दिखा सकूँ, वो खुद प्रसिद्ध है। बस मैं चाहता था कि जो जिन्हें ना पता हो मेरे वीडियो के माध्यम से उन्हें भी पता चल जाए, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया। गाना था भोला बाबा दे दे नोट 56 की मशीन। ये गाना था, भगवान का ही गाना था और ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग था तो मैंने सोचा कि यार लोकेशन भी भगवान का है, गाना भी भगवान का है, तो क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ। मैं कुछ भी आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगा। लाइक्स लाइक्स के लिए मैंने वीडियो बनाया था। मुझे कोई यूँ बोलने की आदत नहीं है कि मैं तो भगवान को प्रसिद्ध करना चाहता था, ऐसा वैसा मुझे कोई बड़ी बात कहने की वो नहीं है। तो लाइक्स के लिए मैंने वीडियो बनाया था। वो वीडियो अच्छा जा रहा था, लेकिन लोगों के रिस्पॉन्स उस पर अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अधिकतर लोगों ने तो सपोर्ट ही किया था उस टाइम पर, और कुछ कुछ थे जो जिन्हें बुरा लगा था। हालांकि मैंने उस वीडियो में ऐसा कुछ कुछ वल्गर मूव्स नहीं किए थे, या फिर गाना गंदा नहीं था, गाना भगवान का था। मेरे स्टेप्स मतलब मूर्ति के पास में मेरे स्टेप्स, मैंने कुछ भी ऐसे स्टेप्स नहीं किए, बस मूर्ति के पास में हाथ जोड़कर ऐसे बाहर की तरफ गया, बस एक ऐसा वो बीन वाला इशारा किया था, भोला बाबा ने दे दे नोट 56 की मशीन, सबकी बजा दूँ बीन, बस ये इशारा था। कुछ भी स्टेप्स नहीं थे, बस ये था। बाहर आकर मैंने मंदिर का जो मेन मूर्ति जहाँ पर रहती है उसे कहते हैं गर्भगृह, वहाँ पर मैंने कोई भी स्टेप नहीं किए। बाहर आकर मैंने स्टेप्स किए, वो भी 2 या 4 स्टेप्स थे, ऐसे करके कुछ स्टेप्स थे, मैंने वो किए। देन मैंने वो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है इसमें। कोई मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने गलती की उसको मैं मानता हूँ, ठीक है, उसकी मुझे सज़ा भी मिल चुकी है। मंदिर समिति से मैंने एक फॉर्म साइन किया था जिस पर लिखा था कि मैं दोबारा ऐसा कोई कृत्य या हरकत जैसे कहते हैं नहीं करूँगा। तो मैंने वो गलती उसी दिन माफ़ी मांग ली थी, एक वीडियो बनाकर भी उनको मैंने दिया था कि आप मेरा ये वीडियो के रूप में आप जो भी कहते हैं मेरा रख लो, दोबारा मेरे द्वारा ऐसा ऐसी हरकत नहीं की जाएगी। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है ना कि बात कुछ बड़ी होती नहीं है ज़्यादा, लेकिन उसका बतंगड़ लोग बहुत बना देते हैं। आप अच्छा करने जाते हो, लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, जो मुझे काफ़ी टाइम से देखने में, खुद भगवान को इतना मानता हूँ यार, हनुमान जी को, कृष्ण भगवान को, शंकर भगवान को, मैं खुद इतना मानता हूँ। मैं कैसे किसी का किसी किसी भगवान के बारे में कुछ गलत चीज़ करूँगा, या फिर ऐसी हरकत करूँगा जिससे
लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, मेरा कभी ऐसा मोटिव नहीं रहता है। मैंने जब इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई, अपनी रील्स वीडियो बनाना स्टार्ट की, मेरा मकसद ये था शुरुआत से ही। जब से मैंने अपने होश आवाज़ संभाले, मेरा स्टार्टिंग से एक ही गोल रहता है कि मेरी वजह से लोगों को नुकसान कभी ना हो, सब खुश रहे। थोड़ी सी अगर मैं, मेरी तरफ से हो सके तो मैं उनको थोड़ी सी खुशियाँ दे सकूँ, कभी कोई परेशान ना हो मेरी वजह से, मेरी वजह से कभी किसी का बुरा ना हो। इसको ऐसा मत समझना कि मैं कैमरे के सामने ऐसी बातें कर रहा हूँ, मेरा रियल लाइफ में भी ऐसा ही है। किसी भी इंसान, किसी भी जानवर, किसी किसी भी आत्मा को मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो, मेरा हमेशा यही मोटिव रहता है लाइफ का, किसी भी संपत्ति पर नुकसान ना पहुँचे। अब ये भूल मुझसे अनजाने में हो गई, ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। गाना भगवान का था, अगर भगवान का गाना था तो फिर ठीक है, अब छोड़ो इस बात को। बस मेरी आप सभी से एक ही विनती है कि मुझे माफ़ कर दें। ठीक है यार, बच्चा हूँ अभी, ज़्यादा उम्र नहीं है मेरी, हो जाती है गलतियाँ, 21 साल का तो हूँ, कभी कभी कुछ कर देते हैं, गलती इंसान से होती है। जो माफ़ कर दे वो उससे बड़ा, ऐसा हमारे घर वाले बोलते हैं। और मुझे ये ना समझना कि मैं क्रिएटर हूँ तो मैं भगवान, धार्मिक चीज़ों पर विश्वास नहीं रखता हूँ या फिर कुछ भी, ऐसा गलत मतलब मत समझना। मेरी खुद की बहुत आदत है, मैं खुद पूजा पाठ वाला इंसान हूँ। बस जो भी हुआ, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हुई, उससे माफ़ी मांगने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो भी समझना है मुझे समझे, कोई बात नहीं, वो जानते हैं, ठीक है, अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, उनको पता है। यही बात करनी थी और यही बात थी जो भी 2-3 दिनों से इतनी चल रही है। लोग पता है इतना बतंगड़ बना देते हैं बात का। ठीक है, होता रहता है, यही तो लाइफ है। पर सच कहूँ ना, अभी लगता है कि हम थोड़े से फेमस हैं। अभी लोग बोलेंगे, अरे फिर से तू ऐसा बोला, मतलब तेरे अंदर घमंड है, ऐसा वैसा। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था यार, मैं सच कह रहा हूँ, भगवान कसम, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था वहाँ पर जाके वीडियो बनाने का। बस मैं चाहता था कि यार वही सब जो स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, मैं ऋतिक सर से मिला, मेरे वीडियोस से इतने सारे लोग खुश रहते हैं, उस बात को कभी किसी ने बताया नहीं। आप सो अच्छा ही करो, आपसे एक गलती हो जाएगी ना, आपके लोग अच्छा ही को देखेंगे नहीं, यह गलत किया है उसने। ठीक है, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, वरना लोग इसमें से अभी कमियाँ निकालेंगे, देखना, मुझे पता है, कमी निकाल निकाल के वहाँ नीचे कमेंट में लिखेंगे। कोई बात नहीं, आप बस अपना ख्याल रखें। ठीक है, अब गलती हुई, आप माफ़ करें, अच्छी बात है, ना करें कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया आप यहाँ तक अगर आ गए, मुझे यहाँ तक सुनते सुनते, तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें, फिर मिलेंगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होगा, देखना। ओके, बाय, धन्यवाद। अभी पता है मेरा मन था अभी लास्ट में बोलने का, जय महादेव, जय श्री राम, वरना मैं अभी बोल तो दूंगा फिर लोग बोलेंगे, देख आज ही इसने जय श्री राम, जय महादेव बोला। लोगों का पता है माइंडसेट बहुत अलग है, मुझे कोई सफाई नहीं देनी अपने बारे में। ठीक है, मैं मान रहा हूँ अपनी गलती, बस मुझे और कुछ नहीं कहना, बाकी आपको जैसा सोचना है आप सोचें। बाय।
ख्याल रखो अपना बस, और मदद करते रहो लोगों की।